नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के बारे में। तो जैसा कि आज 6 अगस्त थी, आज जो रिट लगाई गई थी हेमंत सिंह चौधरी के नाम से, उसकी सुनवाई थी। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस विभाग की गलती मानी गई है, उन्होंने माना है कि गलत पेपर बांट दिया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या उनका पूरा फैसला था। हालांकि मैं एक पहले वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें क्या थी, पूरी न्यूज़ नहीं थी। इसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं जैसे ही इसका अपडेट आता है पूरा, हम आपको देखकर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका पूरा अपडेट आ गया है और जो जवाब मांगा गया है वो पुलिस विभाग से मांगा गया है, ना कि कैंडिडेट से। जो हेमंत सिंह चौधरी जो हैं उनसे जवाब नहीं मांगा गया है। वो देख लेते हैं पूरी वीडियो में क्या इसकी खबर है। तो दोस्तों ये है वो खबर, देखिए डेट ऑफ क्वेरी 6/8/2018। तो इसमें जो हेमंत सिंह चौधरी, ये रिट थी, ठीक है, और रघुनंदन शर्मा इनके एडवोकेट थे। तो इसके बारे में ये पूरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए आप, डेट ऑफ लिसनिंग 6 अगस्त को इनकी सुनवाई थी, तो आज सुनवाई थी। तो उसके बारे में आपको पूरा दिखा देता हूँ ऑफिशियली, जो आया है न्यूज़ पे वो देखिए। अभी ये देखिए दोस्तों, न्यूज़ 18 का ये पेज है, ऑफिशियल पेज है, आप इसे जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगस्त 6/2018 4:50 की अपडेट है, अभी की लेटेस्ट अपडेट है, एक घंटा भी नहीं हुआ ये लगा लीजिए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पुलिस विभाग ने माना 2 सेंटर पर गलत पर्चा बटा। ये देखिए, राजस्थान पुलिस की ओर से गत माह आयोजित की गई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 सेंटर पर गलत पेपर बांट दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने पेपर को आउट नहीं माना है। इसमें पूरी न्यूज़ ये है, राजस्थान पुलिस की ओर से गत माह आयोजित की गई कांस्टेबल परीक्षा में 2 सेंटर पर गलत पेपर बांट दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने पेपर को आउट नहीं माना है। इस मामले में लेकर हाई कोर्ट में पेश किए गए अपने जवाब में पुलिस ने गलत पर्चा बांटने की बात को स्वीकार किया है। मामले में फाइनल सुनवाई 17 अगस्त जस्टिस VSC राधना की अदालत में होगी। ठीक है, इसमें बताया गया है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को लिए गए दायर याचिका में पुलिस विभाग की ओर से हाई कोर्ट में जवाब पेश किया गया। विभाग ने अपने जवाब में माना कि 2 सेंटर पर गलत पर्चा बांट गया है। सुबह का पर्चा शाम में व शाम की शिफ्ट में सुबह का पर्चा बांटा गया, लेकिन अपने जवाब में पुलिस ने इसे आउट नहीं माना। इस मामले को लेकर हेमंत सिंह चौधरी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पेपर फिर से कराने की गुहार की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि गलत पेपर बटने से दूसरी शिफ्ट वालों को फायदा हुआ है, ऐसे में पेपर को आउट माना जाए। तो इसमें क्या है, उल्लेखनीय है कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पहले नकल के कारण रद्द हुई थी और बाद में पुलिस विभाग ने फिर दूसरी तैयारी करके परीक्षा को गत माह दोबारा आयोजित किया गया था। तो दूसरी बार आयोजित की गई परीक्षा के दौरान नकल जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर प्रदेश भर में दो दिन परीक्षा के समय में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। तो दोस्तों पूरी न्यूज़ ये है, क्योंकि उस टाइम तक ये अपडेट आया नहीं था। तो इसमें देखिए, ये साफ साफ बता दिया गया कि पुलिस की ओर से ये मान लिया गया है कि पेपर गलत बटा है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। जो फाइनल सुनवाई होगी वो 17 अगस्त 2018 को होगी, मतलब अभी ये देख लिया, 6 अगस्त है, 17 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। इसमें पुलिस के द्वारा मान लिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना जवाब पेश किया तो उसमें बता दिया है। ये देखिए, 2018 को लेकर याचिका मामले में पुलिस विभाग की ओर से हाई कोर्ट में जवाब पेश किया गया। विभाग ने अपने जवाब में माना है कि 2 सेंटर पर गलत पर्चा बट गया है। सुबह का पर्चा शाम को व शाम की शिफ्ट का पर्चा सुबह बट गया है, लेकिन अपने जवाब में पुलिस ने इसे आउट नहीं माना है। लेकिन पुलिस के जवाब के आउट मानने से कुछ नहीं है, जो मेन फैसला होगा 17 तारीख को, वो जो जस्टिस VSC राधना है इनके द्वारा किया जाएगा। पुलिस को बस अपनी दलील देनी थी, वो उन्होंने बता दिया है कि 2 सेंटर पर उनका पर्चा गलत बट गया है। अब जो फाइनल जो है डिसीजन है वो जस्टिस VSC राधना करेंगे, क्योंकि इसमें पुलिस जो है, पुलिस विभाग को दोषी पाया गया है। तो पुलिस विभाग ने अपना जो जवाब दिया उसमें भी उन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को कि गलत पर्चा बट गया था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पेपर आउट नहीं माना जाए। तो इसमें देखते हैं 17 तारीख को आएगा इसका फैसला, 17 अगस्त को फाइनल तारीख है, मतलब फाइनल आपकी हियरिंग होगी, उसमें आपका फैसला सुना दिया जाएगा जस्टिस VSC राधना की अदालत में। तो इसको काफ़ी बड़ी खबर है और आपके लिए अच्छी खबर है। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, वो करीब एक घंटे पहले डाला था, तो जब तक इन्होंने अपडेट नहीं किया था, तो मैंने जो TV से मेरे पास एक वीडियो आई थी एक दोस्त की, तो उसको देखकर मैंने बताया था कि जैसे पुलिस ने पेपर आउट मानने से मना कर दिया कि पेपर आउट नहीं हुआ था, इसके इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों उनके इनकार करने कुछ नहीं होगा, पुलिस दोषी पाया गया है इसमें, पुलिस विभाग और जो जस्टिस VSC राधना है वो इसका फैसला करेंगे 17 अगस्त को। तो दोस्तों देखते हैं क्या फैसला होता है, जैसे ही फैसला आता है हम आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करना वीडियो को ना भूलें, क्योंकि जो पहली वीडियो है उससे काफ़ी कैंडिडेट डिमोरलाइज हो जाएंगे कि जैसे उनके हित में फैसला नहीं आया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उस वीडियो को अवॉइड कीजिए, उस वीडियो को कोई भी कैंडिडेट शेयर ना करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और जो मुकेश जाट की याचिका थी उसके बारे में जो अपडेट आया उसके बारे में हम आपको बताएंगे जैसे हमारे पास अपडेट पहुँचता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो तक जय हिंद।